चलिए आगे चलते हैं आपके लिए थर्ड चैप्टर, वेरी ब्यूटीफुल, मजेदार, आहा, बुक कीपिंग, हमारे दिल की जान। कॉमर्स लिया है हमने और कॉमर्स वालों के लिए बुक कीपिंग तो पता होना चाहिए। और बुक कीपिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, पहले से पेपर लीक हो चुका है, फाइनल अकाउंट आने वाला ही है, एनपीओ आने वाला ही है, रिजोल्यूशन आने वाला ही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंपेयर ऑप्शन में ये टॉपिक आने वाला है। मतलब मुझे मेहनत कहां पे करनी है, तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि टोटल एडजस्टमेंट कितने हैं, कितने टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, वो वेराइटी को कैसे सोल्व करूं। मुझे पहले से डाउट्स पता होने चाहिए कि अगर उन्होंने ये क्वेश्चन किया, देखो मैंने आपको दो दिन पहले एक क्वेश्चन सोल्व करा, क्वेश्चन नंबर वन, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, टोटल 5 एडजस्टमेंट डेटर के ऊपर, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको आएंगे। तो बच्चा आज आपके सभी डाउट में क्लियर करने वाला हूं, दो सब्जेक्ट मैंने क्लियर कर दिए है, ओसी क्लियर हो चुका है, इकोनॉमिक्स क्लियर हो चुका है। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, आपके फ्रेंड के साथ में लिंक शेयर करना मत भूलना, यहाँ पे सब डिटेल उसको मिल जाएगी। और कल से ऑब्जेक्टिव राउंड शुरू होने वाले हैं, तो भूलना नहीं, 8 से 10 मेरे साथ बने रहना, आजू बाजू वाले को भूल जाना, मम्मी को बोलना खाना बाद में खाऊंगा, पहले आंसर खाने दे, राइट। शुरू करते, चलो 2022 का पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से ध्यान से देखना बेटा, मार्क विद ऑप्शन, मार्क विद ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, आराम से फिर से मैं बोल रहा हूं, 40 मार्क तो आपको ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे, चाहे वो ओसीओ एसपीओ इको अकाउंट हो। अगर महाराष्ट्र में किसी बच्चे को पास होना है जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और कितने ऑब्जेक्टिव पढ़ने वो मैंने मेरे वीडियो में बताया है, और कैसे पढ़ने तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे साथ जुड़े रहो, कैसे पढ़ने वो भी मैं पढ़ा दूंगा, राइट। चलो चलते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लिए। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 1 है, वेटेज है टोटल भाई 12 मार्क्स की वेटेज है चैप्टर की। सेकेंड है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, अगेन ये चैप्टर आने वाला है, कंपल्सरी है 12 मार्क्स के लिए, तो छोड़ना नहीं है चैप्टर, ये दोनों चैप्टर अगर कर लेते हो 12-12 24 मार्क, हाँ या ना बच्चों, 24 मार्क जेब में आ जाएंगे, और 20 मार्क का 40 मार्क, मतलब 64 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में अकाउंट में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बार फाइनल अकाउंट आ गया, भाई मैंने मेरा बिजनेस चालू किया तो बिजनेस के अंदर नया पार्टनर आएगा, पुराना पार्टनर जाएगा, और दोनों मर भी जाएगा और धंधा बंद हो जाएगा, तो नया पार्टनर उसे एडमिशन कहते हैं, पुराना गया उसको रिटायर्ड कहते हैं, और मर गए तो उसको डेथ कहते हैं। तो उसके बाद के जो चैप्टर है वो तीनों सेम है, फाइनल अकाउंट जैसे ये बहुत इजी है, मेरे पास बहुत इजी इजी टेक्निक्स है। आप अगर मेरा नाम ले लोगे अजय व्यास, तो वहां पे आपको फॉर्मूला पता चलेगा, अजय व्यास नेशनल पार्क गया इतना बोल दो, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नेशनल पार्क एनपी नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो फॉर्मूला बना है तो मेरा नाम बोल दो भाई साहब, सब आ जाएगा। यस, सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप उसकी वेटेज है, तो ये तीन में से कोई, देखो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप दैट इज कॉल्ड एडमिशन रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑप्शन में है, टोटल वेटेज है चैप्टर की वहां पे 20 मार्क की है, एक दूसरे को ऑप्शन आने वाले, विथ ऑप्शन देखने का तो टोटल 40 मार्क्स है, राइट। चलो नेक्स्ट, वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है, मतलब यहां से कोई दो चैप्टर अच्छे से करूं तो मैं एडमिशन करके जाऊंगा, बिना भूले मैं एडमिशन करके जाऊंगा, और अगर और इजी चले तो डिसोल्यूशन करके जाऊंगा। बोर्ड एग्जाम के लिए डिसोल्यूशन की तैयारी कर लो, एडमिशन की तैयारी कर लो, और वो मैं आपको संडे संडे करवाने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने फाइनल अकाउंट पढ़ाना शुरू कर दिया है बच्चों को, एज वेल एज ये संडे को भी फाइनल अकाउंट 3 घंटा करेंगे, उसके बाद हर संडे को 4 संडे आएंगे, मैं आपको 5 टॉपिक आराम से कंप्लीट करवा दूंगा, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर शुरू नहीं किया पढ़ना, डोंट वरी, आई एम हियर, संडे संडे को जुड़ जाना मेरे साथ फॉर अकाउंट, और हर रोज 2 घंटा शाम को ऑब्जेक्टिव और डिस्टिंग बिटवीन और लेटर, एसपी का लेटर, सर लेटर ने अंदर लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद, अरे भाई लेटर लिखना, मार्क्स लेके जाना 10 मार्क्स, बता दो मैं आता हूं उसके ऊपर। चलिए लेट्स सी
the reconstruction of partnership वहां पे दिया, that is a death, और death के सामने अपने पास account है, वो है shares, 16 marks के लिए फिर से combined किया है यहाँ पे, analysis of financial statement and computer accounting, total weightage chapter की 16 marks की, इस तरह अपना 60 mark का calculation बैठता है, plus 96 है, total देखे जाओगे तो 80 mark का paper with option, objective के साथ में आने वाला है, तो 12 plus 4, 16, 12 plus 4, 16, वो ये 20 प्लस 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, that is 28 marks, and यहाँ पे 16 प्लस 1, 2, 3, 4, that is 20 marks, तो अगर 60 प्लस 20 करूँगा, तो टोटल हो जाते मेरे 80 marks का पेपर आने वाला है, मतलब चैप्टर नंबर 1 में 12 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, नॉन प्रॉफिट में 12 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, और ये चारों भाई को अगर मैं मिला दूं तो टोटल 20 मार्क के क्वेश्चन है, और मेरे जो 2 2 4 2 6 2 8 8 मार्क का ऑब्जेक्टिव है उस चैप्टर में से, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आई एम हियर, डोंट फियर, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वो बिल्स ऑफ एक्शन की फॉर्मेट आने वाली है क्या, बोर्ड एग्जाम में बिल्स ऑफ एक्शन की फॉर्मेट आने वाली क्या? नहीं, वो आपको एबीटी में पूछने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम में उसकी राह मत देखना। चलिए शुरू कर दे, पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से, पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से, तो यहाँ पे देखो आप लोग को पहली बार अकाउंट में आया है, पहली बार, पहले तो भाई साहब ये लोग क्या करते थे पता है, 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछते थे, एक 5 मार्क का आपको बिल्स ऑफ एक्शन का फॉर्मेट पूछते थे, और टोटल 20 मार्क मिल जाते थे बच्चों को, बट अब ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा उन्होंने अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया 2022 में, क्या पता मूड अच्छा हुआ या खराब हुआ है, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पहले ऑप्शन थे, अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये ए से लेके जे तक में कोई भी चार क्वेश्चन आएंगे, और ईच क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैरी 5 मार्क्स, तो टोटल ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का, आप समझ रहे हो, तो सिलेक्ट कर एट ऑप्शन एंड रीड आई, गिव वन वर्ड, स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजन है, बेटा सी को ध्यान दो, सी में 2.5 मार्क का क्वेश्चन है, दो लिखोगे 5 मार्क मिल जाएंगे, पर लिखना पड़ेगा, और अकाउंट में लिखने को हमको बहुत जोर आता है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या आएगा, वो भी मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, देन कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन वन ओनली, डू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, फिर से लिखना पड़ेगा 1 मार्क्स के लिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग, गिव स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन मैंने आपको कह दिया है, वो आपको एबीटी में आएगा, बोर्ड एग्जाम में इसकी राह मत देखना भाई साहब, 5 मार्क बोर्ड एग्जाम में इसकी राह मत देखना, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टोटल ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, मतलब ऑब्जेक्टिव कर लिया, एनपीओ कर लिया, फाइल अकाउंट कर लिया, डिसोल्यूशन कर लिया, अपनी गाड़ी पार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, सोल एनी ऑफ द फॉलोइंग, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्शन, मतलब मैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्शन, ये ऑप्शन में आने वाले हैं, एनी टू प्रॉब्लम विल बी आस्क, बट मुझे पता है तब तक एडमिशन आना है अपने को, रिजोल्यूशन पढ़ के जाना ही अपने को, राइट, सो एडमिशन करेंगे और नीचे से हम डिसोल्यूशन करेंगे, कैरी वैल्यू है 10 मार्क्स की, विद ऑप्शन है 20 मार्क्स, सोल्व द एनीवन फिर से दिया है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्शन, फिर से वही हमें रिपीट किया उन्होंने, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा पहले एडमिशन पढ़ लो, नीचे डिसोल्यूशन पढ़ लेना, तो आपकी स्टोरी खत्म, राइट। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सोल एनीवन, डेथ ऑफ द पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्यूटर, फिर से सेम है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे बेटा, इश्यू ऑफ शेयर बहुत इजी आपके लिए, वो मैं आपको सोल्व भी करवा दूंगा, कुछ जन एंट्री बाहर करवा दूंगा, आराम से 8 मार्क्स स्कोर कर लोगे आप, देन सोल्व द वन ऑफ द फॉलोइंग, डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटेंसी, फिर से मैं यहाँ पे कहूंगा तो मेरे पास में क्या है बेटा, कंप्यूटर अकाउंटिंग अवेलेबल है या एनालाइज ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर्स अवेलेबल है, वो हमने ऊपर कर लिया। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न 12 मार्क्स के लिए, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे बैठेगा नॉन प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 7 पे बैठेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सर ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद क्या डायरेक्टली हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले फाइनल अकाउंट कर लो, फिर नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन कर लो, फिर डिसोल्यूशन कर लेना, उसके बाद जो मर्जी पड़े वो करो, राइट, क्योंकि पेपर 3.5 घंटे का है, ये बार टेली करने को अपने को मार्क्स मिलने वाले, टेली में मजा आएगा भैया, क्योंकि टाइम अवेलेबल है काउंटिंग के लिए, राइट।
80 मार्क का सेम पेपर है विद ऑप्शन 116 मार्क का होता है। फिर से आपके लिए मैंने होमवर्क कर दिया। अरे बाप रे बाप, मर गए भाई, 577 ऑब्जेक्टिव है। मतलब अकाउंट में अगर मुझे ऑब्जेक्टिव में फाइट करना है तो 577 ऑब्जेक्टिव करना है भाई साहब। डोंट वरी, आई एम नियर। 10 मिनट, 1 मिनट में कम से कम 5 बिलिंग का पेज निकालेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव निकालेंगे। यहाँ पे 1 vs 5 का रेशियो रखेंगे और फटफट फटफट 2-3 बार रट्टा मारेंगे। डोंट वरी, यस। सो पढ़ना है ऑब्जेक्ट, देखो आप समझो मेरी बात को। अकाउंट में आप फाइनल अकाउंट कर लोगे, एनपीओ कर लोगे, यहाँ पे कोई डिस्टिंग बिटवीन नहीं है, ट्रू और फॉल्स नहीं है। तो भाई साहब आपको एबीटी के लिए भी ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करने हैं और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी करने, नहीं तो सीधे सीधे 20 मार्क, वो जो सपना है ना 90 अबाव, ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है, इसे हट जाएगा भार। तो 20 में से 20 लाना जरूरी है और उसके लिए ऑब्जेक्टिव आना जरूरी है और ऑब्जेक्टिव के लिए किंग ऑफ द रिंग इधर खड़ा है। आपके ऑब्जेक्टिव मैंने रेडी करके रखे विद एनिमेशन, तो टेंशन लेना नहीं है भाई, राइट। टेंशन मुझे दे दो, मार्क्स तुम ले लो बच्चा लो, टेंशन मुझे दे दो, मार्क्स तुम ले लो। बट एक प्रॉमिस करना, कल से 8 से 10 मेरे साथ जुड़े रहना, अपने फ्रेंड्स को लेके आना और उसको जरा आंख खोल के बताना, तेरे क्लासेस वाले ने, तेरे ट्यूशन वाले ने, तेरे आजू बाजू वाले ने बता तो दिया है तुझे कि फाइल अकाउंट आएगा, एनपीओ आएगा, डिसोल्यूशन कर लेना, पर ऑब्जेक्टिव कितना आएगा पहले एक बार देख लो। चलिए देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, टोटल 75 है। हाफ एन आवर में मैं आपको बाहर करा दूंगा, आधे घंटे में। चैप्टर वाइज मैंने लिखा है, चैप्टर नंबर 1 में 7 है, चैप्टर नंबर 2 में 10 है, चैप्टर नंबर 3 में 5, 4 में 6, 5 में 6, तो ये 6 तो मैं फटाफट करा दूंगा आपको विदाउट एनी रीजन। यस, गिव वन वर्ड। और मैंने फिर से कहा है, ये बार बोर्ड एग्जाम में बॉस फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है, फ्रेज द वर्ड। चाहे ओसीओ, चाहे एसपीओ, चाहे इको, चाहे अकाउंट हो, फ्रेज द वर्ड आएगा। और सबसे ज्यादा फ्रेज द वर्ड है, वन वर्ड है, वो अकाउंट में 91 पढ़ने हमको। एक मिनट में अगर 3 पढ़ाऊंगा तो भी मुझे आधा घंटा लगेगा आपको बाहर करवाने के लिए। इसके लिए अलग से सेशन करेंगे और प्रॉमिस करता हूं मैं आपको बाहर करवा दूंगा, राइट। देन आपका सिलेक्ट ट्रू ऑफ बोल, भाई ट्रू ऑफ बोल से मजा आएगी, ट्रू ऑफ बोल बहुत फेवरेट है, यस। एक मिनट में 5 करेंगे, आराम से निकाल लेंगे बेटा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में 89 ट्रू फॉल्स पढ़ने हैं, और पढ़ने नहीं है याद भी रखने हैं। फाइंड ओड वन, यस, ये आ सकता है अकाउंट में, तो 18 मार्क्स, 18 है अपने पास में, 18 पढ़ने के लिए ज्यादा से 10 से 12 मिनट लेंगे हम। करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में है और चैप्टर नंबर 7 में है और चैप्टर नंबर 8 में। टोटल करेक्ट द सेंटेंस जो है वो 38 है, वो आराम से 10 से 15 मिनट में हम खत्म कर लेंगे। आंसर इन वन सेंटेंस 95 है बच्चों, इसके लिए फिर से हमें आधा घंटा लगेगा। मैं फिर से बताता हूँ, ये जो मैंने होमवर्क किया है ना बेटा, वो टाइम पास करने के लिए नहीं किया है, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और मेरा होमवर्क मैंने कर लिया है मेरे बच्चों के लिए, तो आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका जी वाला पॉइंट, डू यू अग्री डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टोटल आपके पास में 36, अग्री डिसअग्री लिखना है, 2 आएंगे ढाई ढाई मार्क के, इधर अपने को जोर मारना है। और मुझे ये लगता है कि ये बार अग्री डिसअग्री ये लोग पूछेंगे। हाँ, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला अकाउंट में, पहले ऑप्शन था, ये साल कोई ऑप्शन नहीं है। ए बी सी डी 4 क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी देंगे और ईच क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, ठीक है। चलो, तो ये आपके टोटल अकाउंट के फिलिंग द ब्लैंक्स है या टोटल ऑब्जेक्टिव जो पढ़ने हैं। मैंने आपको बोल दिया चैप्टर नंबर 1 में टोटल ऑब्जेक्टिव 105, चैप्टर नंबर 2 में 111, और फिर धीरे 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 ग्राफ नीचे जा रहा है। मतलब चैप्टर नंबर 1 और 2 में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है और मैं कर लूंगा, डोंट वरी, इज इट ओके।